इन्हें कुछ चाहिए हो तो आप बेल बजा दीजिएगा। मरा नहीं, उसे मारा गया। शाली ने मारे मेरे बच्चे को। सॉरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, पर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया। आई नो तुम पर क्या बीत रही, पर इसलिए शायद तुम जानते भी नहीं कि तुम क्या बोल रहे। भला ईशानी ऐसा क्यों करे? मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही। ईशानी ने मेरे बच्चे को मारा है। प्लीज, ईशानी ने कुछ भी नहीं किया। वहां पर कोई आदमी था जिसने तुम पर गोली चलाई थी, और उस आदमी को ईशानी नहीं भेजा था मेरे बच्चे को मारने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। रितिका, तुम्हें क्या हो गया? ये क्या बोले जा रही हो तुम? ईशानी को मुझसे ज्यादा और कोई भी नहीं जानता। ईशानी ऐसा कभी नहीं कर सकती, और एक बच्चे के साथ तो कभी भी नहीं। आई एम श्योर तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। मैंने अपना बच्चा खोया और तुम मुझे ही गलत कह रहे हो। जिसने मेरे बच्चे को मारा है, तुम उसकी साइड ले रहे हो। नफरत करती है वो मुझसे। वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी और उसके बीच में आऊं। मुझे तो वो घर से निकाल नहीं पाई, इसलिए उसने मेरे बच्चे को निकाल दिया। मार डाला शादी ने मेरे बच्चे को। रितिका, ये तुम क्या कह रही हो? I'm sorry, तुमने अपने बच्चे को खो दिया, but trust me, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। रितिका, मैं इसे सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम रितिका, मैं नहीं चाहती थी वो आदमी कौन है जिसने तुम पे गोली चली। ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है। तुम ही मारा है, तुम ही खूनी हो। और ये सब कब ने बच्चा बदला लेने के लिए किया था? क्या मेरा बच्चा ही क्यों? रितिका, तुम्हारे क्या बिगाड़ा था? तुम मुझे मार रही थी, तुम ही मेरे बच्चे को क्यों? रितिका, शांत हो जाओ। देखो, इतना जोर से मत चिल्लाओ, तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें ही तकलीफ होगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखा मामा, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। किसे बोलो यहाँ से चली जाए। अब यहाँ खड़ी रह के क्या देख रही है तू? हाँ, इसे भी खा जाएगी क्या? चल निकल यहाँ से। लक्ष्मी, हम उठी ले जाए इसे यहाँ से। अम्बा, इस वक्त चल, हम बाद में आ जाएंगे। शांत हो जाए, शांत।
शांत हो जा। मासी मेरे चुप रहे, कुछ भी नहीं किया मासी, मैं सच कह रही हूँ। मासी मैंने सच में कुछ नहीं किया, अब प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। कहा कि रितिका बस गुस्से में थी इसलिए उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। ट्रस्ट मी, आप तो मुझे बचपन से जानती है ना, मैंने कुछ नहीं किया। काकी मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं भरोसा और दुश्मन इस जन्म में कभी नहीं। तूने रणवीर पर काला जादू किया है ना, इसलिए वो तेरी साइड ले रहा है। लेकिन तू ये उम्मीद मुझसे मत रख। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। चैतू मेरी बात तो सुनो। चैतू बेवकूफ मत बनाओ मुझे, सब समझती हूँ मैं। तुमने एक रिपोर्ट क्या पढ़ी और मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मितेश इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मामी मामी इसमें मामा की कोई गलती नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने हमें गलत रिपोर्ट दे दी तो हम क्या करें। हॉस्पिटल वालों ने गलत रिपोर्ट दे दी लेकिन तेरे मामा का दिमाग तो सही था ना। अरे इन्होंने मान कैसे लिया कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। कुछ नहीं तो कम से कम मैं इनका उम्र का कुछ तो लिहाज करूंगी ना। लेकिन इन्होंने मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। सारी रात मुझे हॉस्पिटल रूम में रखा और कोर्ट रूम की तरह ना मुझसे सवाल जवाब करते रहे। चाकू मेरी बात तो सुनो। डोंट टॉक टू मी, तू बात मत करना, समझे। किसने बोला था वकील बनने के लिए, जाओ अभी, चलो चलो। काकी मेरी बस एक बार कोई बात नहीं सुननी मुझे तेरी। मुझे कहने का याददाश्त खोने की आड़ में तू जो बोलेंगे हम मानेंगे। आज तो तूने हद कर दी है, हद कर दी है तूने। तूने वो किया है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चैतू चैतू चलो ना, प्रतीक तो कब का चला भी गया। चल और आज मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। कैसी औरत है तू, हाँ कैसी औरत है। ये यहाँ क्या चल रहा है। खुद तो माँ बन नहीं सकती और जो दूसरी माँ बन रही है वो तुझे देखा नहीं जाता है ना। उसने मेरे बच्चे को मारा। इनका इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें नींद आ जाएगी। हाल मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज मुझे घर ले चल। हम घर जाएंगे, हम सब घर जाएंगे, प्लीज रेस्ट। है ना? ये आप क्या कह रही है? वही कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। किसने एक किराए के हत्यारे को लाकर रितिका के बच्चे की हत्या कर दी। काकी मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। मैं तो खुद रितिका के साथ उस छत पे थी जब उसे गोली लगी। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है और तुमने अपने घर को नहीं छोड़ा। अपने पति के दोस्त के बच्चे को खा गई। बस बहुत हो गया। माँ ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं। कम से कम यहाँ तो अपने आप से झगड़ों का तमाशा मत कर। और तुझे यही एक वक्त मिला ये सब बातें करने का। माँ रितिका सदमे में रो रही है और तू ये सब यहाँ पे बेकार की बातें कर रही है। बेकार की बातें, हाँ ये तुझे बेकार की बातें लग रही है। इसने रितिका के बच्चे को मार डाला और तुझे ये सब बेकार की बातें लग रही है। अरे क्या बता, इसने उस आदमी को तुझे भी मारने के लिए बोल दिया। माँ मैंने तुझसे कहा था रणवीर, कहा था नहीं? ये लड़की तेरी जिंदगी में तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आई है। क्यों इसे तो मैं रणवीर तू हट जा मेरी रास्ते से। पिसाने तुम चले जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम जाओ। ईशानी के बारे में नहीं, रितिका के बारे में सोच। उसे हमारी जरूरत है। अगर अभी हमने उसे नहीं संभाला तो वो अपना मानसिक संतुलन खो सकती है।
मुझे सब पता, यू जस्ट रिलैक्स। माँ ईशानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। बेटा एक बार हम तेरी बात मान भी लें, पर किसी ने तो ये काम किया है। वो आदमी बिना बुलाए घर पर आकर रितिका पर गोली कैसे चला सकता? पर रितिका को कौन मानना चाहेगा? किसने हायर किया को उस शूटर को? मुझे नहीं पता चला, पर रणवीर ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस क्या? हाँ, मैं बता रही हूँ, हमारे घर में रितिका का दुश्मन इस ईशानी के अलावा कोई नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, अब वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि असली सच क्या है। ठीक है रुचिका, हमें खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहीं जाके पता लगेगा कि क्यों आदमी आकर रितिका को मारना क्यों चाहता था। लेट्स गो। बाबा, माँ, मास्टर, आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए, प्लीज मेरे पीछे से रितिका के सामने कोई ईशानी की बात मत करना। अभी फिलहाल रितिका को हमें शांत रखना होगा। और घर जाने की कह रही थी तो मैं डॉक्टर से बात कर ली, वो जल्दी से डिस्चार्ज भी दे देगा। आप बस बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। रणवीर तुझे यहाँ की चिंता मत कर, हम सब मिलके रितिका को संभाल लेंगे। मैं तो भी चिंता मत कर, मैं सारी सच्चाई पता लगाने के बाद ही वापस लौटूंगा। मैं जानता हूं कि आप मिस्टर आरबी के लॉयर हैं, इसलिए मैं आपको उस शूटर से मिलने दे रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। देखो इंस्पेक्टर, मैं आरबी के लॉयर होने के साथ साथ रितिका का अच्छा फ्रेंड भी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस शूटर को हायर किया किसने। और मेरे लिए भी। उसने अब तक कुछ नहीं कहा, पर अब जरूर बोलेगा। रितिका को कौन मारना चाहता था ये मैं पता लगा कर आऊंगा। इंस्पेक्टर, आप उसे एक बार फिर से इंट्रोगेशन कीजिए हमारे सामने। आइए। किसके डरे से गोली चलाई? किसने भेजा तुझे वहां? साहब, अपन आपके जैसे वर्दी की कसम नहीं खाता है साहब। पुनक का भी एक उसूल है साहब, जो पुनक को सुपारी देता है ना साहब, अपन उसका नाम अपनी जुबान पे कभी नहीं लेता साहब। तो इसी वर्दी की कसम खा के पता है आज तेरे मुझे एक एक्स्ट्रा चुकलवा कर रहूंगा। एक मिनट इंस्पेक्टर, मुझे से एक बार बात करना। मैं जानता हूं कि तुम अपना काम कर रहे हो, और ये भी जान चुका हूं कि तुम हमेशा अपने उसूलों पर चलते और अपने क्लाइंट का नाम किसी को नहीं बताते। और मैं तुमसे क्लाइंट का नाम उस शख्स का नाम पूछ रहा हूं जिसने एक मां से उसके बच्चे की खुशी छीनी। अगर तुम उसका नाम बता दोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, और अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम जी जी के मर रहे हो या मर मर के जी रहे हो। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, बोलो किसने भेजा था तुम्हें? किसके कहने पे तुमने गोली चलाई? बोलो। सच में नाम सुनना चाहोगे? सुन पाओगे?
तो बोलो। यह है वो औरत जिसने मुझे गोली चलाने के लिए बोला। बोला आपकी बीवी ईशानी अनी। और इन्होंने ही मुझे इस काम के लिए पैसे दिए। रितिका मैडम पे गोली चलाने के लिए। सॉरी मैडम, लाइफ में पहली बार अपुन ने अपना उसूल तोड़ा। अब लाइफ से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। सनी, मैं जानती तक नहीं हूं इसे। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? वाह मैडम वाह, जब खुद पे आई तो पहचानने से मना कर रही है। लेकिन मैडम एक बार अपन अपने क्लाइंट को देख लेता है ना, भूलता नहीं है, आंख बंद करके भी उसको पहचान लेता है। सनी मैं रितिका मैडम, मैंने आपका ये काम भी कर दिया, अब मुझे यहां से बाहर निकालना आपका काम है। ट्रस्टी, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे बता रहे, झूठ बोल रहे हैं, मैं मिली तक नहीं उससे। हनी प्लीज ट्रस्टी, प्लीज मेरा भरोसा करो। आई डोंट नो हिम। एक मिनट रुक जाइए। उस शूटर ने आपका नाम लिया, तो आप यहां से नहीं जा सकते। डोंट वरी इंस्पेक्टर, मैंने ईशानी की एंटीसिपेटरी बिल करा ली, और वैसे भी उस शूटर ने सिर्फ नाम लिया, कोई सबूत नहीं दिया। मेरे असिस्टेंट के पास ईशानी के बिल पेपर्स हैं, वो अभी आएगा फाइल करने। ओके रितिका ने जैसे ही तुम्हें ब्लेम किया, मैंने तुम्हारे बेल के पेपर्स रेडी करवा लिए थे। मैं जानता था अगर उसने तुम्हारा नाम लिया तो तुम्हें फंसा भी देगी। ईशानी, शिखर रणवीर चला गया, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी है। मैं शिखर, वो मुझे शक कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मेरे रितिका के बच्चे को मारे, मैं क्या करूं? मैं ईशानी, संभालो अपने आप को। अगर वो तुम पर शक कर रहा है तो तुम्हें उसे यकीन दिलाना है। घर जाओ और उसे समझाने की कोशिश करो, तब तक मैं कोई तरीका सोचता हूँ जिससे आरवी रितिका की बातों में ना आए। बिकॉज अगर आरवी रितिका की बातों में आ गया, उसका तुम पर से भरोसा उठ जाएगा और हम हमारे मिशन में हार जाएंगे और रितिका जीत जाएगी। So please, just go home. Go. कुछ तो करना ही होगा जिससे आरवी के सामने रितिका का झूठ पकड़ा जाए। क्या बोला उस शूटर ने, बताओ ना आरवी। रणवीर तुम चुप क्यों हो, बताओ ना वो कौन है। वो शूटर ने उस शूटर ने
ईशानी का नाम ये। नहीं रणवीर, ईशानी ऐसा नहीं कर सकती। वो भला रितिका के बच्चे को क्यों मारेगी? क्यों नहीं कर सकती वो ऐसा? जब वो चिराग का खून कर सकती तो फिर रितिका के बच्चों को क्यों नहीं मार सकती? हाँ, मैंने कहा था ईशानी नहीं मारे मेरे बच्चे को। वो नफरत करती है मुझसे, नहीं चाहती थी कि मैं इन दोनों के बीच में आऊं, और इस बात का गुस्सा उसने मेरे बच्चे पे निकाल दिया। ये झूठ है,